हमीरपुर जिला मुख्यालय से सटी जनियारा पंचायत के गांव नडियाणा में मारपीट के मामले में एक पक्ष ने डीसी हमीरपुर से मुलाकात की। कार्यकर्ता पवन कुमार के साथ इस मौके पर जिला परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष राकेश ठाकुर तथा दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। शिकायतकर्ता युवक पवन कुमार का कहना है कि उस पर उसके पड़ोसी ने जानलेवा हमला किया है, लेकिन पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस वजह से वे डीसी हमीरपुर से न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। उनका कहना है कि उनके सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं, बावजूद इसके पुलिस आईपीसी की धारा 307 के तहत जानलेवा हमला करने की कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने इस मामले में डीसी हमीरपुर से निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग उठाई है। मेरा नाम पवन कुमार हूँ, गांव नडियाना रांगड़ियों का स्थायी वासी हूँ मैं, जिला तहसील डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है। हमारी मलकी भूमि पे सुमन कुमार घास काट रहा था, तो मेरे बड़े भाई द्वारा मना करने के बावजूद भी वो नहीं माना, तो ऊपर से वो नीचे गिर गया, ठीक है जी। तो उसने मारा मारी, वो बीड़ के ऊपर काम कर रहा था, घास काट रहा था, सुबह सुबह 8:30-9 बजे का टाइम होगा, नीचे गिर गया। जब उसको छुड़ाने के लिए गया, उसका किराएदार उसके कहने के इशारे के ऊपर आया और उसने डांट मार दी ऊपर से मेरे को, और यहाँ तक ये हाथ में भी काटा है, पीछे भी मारा है, और मेरे बड़े भाई गगनदीप को भी मारा है उन्होंने। मेरा प्रशासन और प्रशासन से यही अनुरोध है कि मेरे को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए, और ओपी जो है उसको थाना में बुलाया जाए, उसको रिमांड पर रखा जाए और मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। बोला कि हमने एसडीएम जी को आगे फॉरवर्ड वगैरह बोल दिया है, और उसकी 5 मरले मलकीत भूमि है, उसको नाप के दिया जाए, बाकी उसने नजायज कब्जा किया हुआ है और दिन रात धमकी देता रहता है वो कि मैं तेरे बच्चों को काट दूंगा, बीवी को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे को बहुत खतरा है उससे, धमकियाँ देता रहता है वो। मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पहले खीवा पे लगा है, वो भी उसके गांव उसके घर का किराएदार है, उन्होंने मना कर दिया लिखने। जब हमने फोन निकाला तब उन्होंने FIR लिखी। किसके ऊपर आस रखेंगे हम? हमारे को तो किसको नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए। आई नीड ओनली जस्टिस। 24 घंटे धमकी देता है वो, शाम को, दोपहर को, सुबह। बोलता है कि उसकी जो भूमि है 5 मरले उसकी भूमि है, बाकी उसने गवर्नमेंट में नजायज कब्जा किया हुआ है, आधी सड़क रोकी हुई है, दूसरे की मलकीत में आके घास काटता है और मारने की धमकी देता है। मेरे को बोलता है उसका किराएदार, तू कितना घर में रहता है, कितना नहीं रहता है, मैं जानता हूँ। मेरी बच्ची है, अगर कल को कुछ 19-21 होती है तो उसका जिम्मेदार वो होगा, और गांव वाले ये हैं, ये साथ में हैं, उनको भी डराते रहता है वो, कुछ ना कुछ बोलता रहता है उल्टा। वो बोलता है मेरे फ़ोन से, मेरे फ़ोन से सब कुछ होता है, जाने आने की जरूरत आपको पड़ी हुई है, मेरे को नहीं पड़ी हुई है। बोलता है कि मैं पुलिस में काम करता हूँ, एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये बोलता है वो। शासन क्या है, प्रशासन क्या है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए शासन से, मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए। जो मेरे साथ हुआ, 8-10 स्टिचेस लगा हुआ है हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल हुआ, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला मुख्यालय से सटी जनियारा पंचायत के गांव नडियाना में 2 परिवारों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज कर लिया था, लेकिन शिकायतकर्ता पवन कुमार का कहना है कि पुलिस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं, बावजूद इसके पुलिस इसे जानलेवा हमला नहीं मान रही है। वहीं इस मामले में उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने इस पर कार्रवाई करने के पुलिस को आदेश दिए हैं।